खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां मोहरा वार्ड क्रमांक 47 में पानी की भारी समस्या को लेकर आज पार्षद सहित वार्डवासी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसी दौरान धरने पर बैठे पार्षद ने बताया कि सालों से यह पानी का विकराल समस्या बना हुई है। हर बार मेरे द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया, इसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला, जिसके चलते वार्डवासी आज पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके आगे पार्षद ने बताया, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वहीं वार्डवासी भी समर्थन देने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि नगर निगम के पदाधिकारी कब तक संज्ञान लेकर पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। राजनांदगांव से संवाददाता निमेश की रिपोर्ट। पानी की बहुत समस्या है भाई, यहाँ कम से कम 15-20 दिन हो गए। पहले थोड़ा बहुत आते रही से 2-4 खेत मिल जाए, अब बाहर भी जाना है। सब बच्चा मन 5-6 सदस्य, ऐसे 7 सदस्य, 2 खेत पानी मिल हुआ का हो जाए बताओ। कुछ गुण ये नहीं हो, पिए के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ते, जिकर यहाँ जाबे भाई पानी चले नहीं कौन दी। ककरो यहाँ 1-2 घर है बोर, अब बोर के पानी कथी ला पूरी पूरा वार्ड ला, एकदम पानी समस्या है। पानी है यहाँ बहुत ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, जनता बहुत दुख पा रही है, हम लोग भी दुख पा रहे हैं, वही परेशानी है और कुछ नहीं, बस पानी चाहिए हम लोग को बस। मैं बरसों से अपनी वार्ड में पेयजल की समस्या को लेकर जूझ रहा हूँ। ये 10वां साल है मैं पार्षद और पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और लगातार इस समस्या पे नगर निगम प्रशासन को अवगत कराते आ रहा हूँ। बीच में व्यवस्था ठीक थी, जहाँ जैसा व्यवस्था चल रहा था उसमें हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके चल रहे थे। अभी वर्तमान में 15 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है वार्ड में। लगातार मैं निगम कमिश्नर महापौर जी से इस संबंध में चर्चा किया, लेकिन मेरी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, इसलिए आज हमको ये भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन, 10 दिन, जो भी, हम अपनी मांग को मनवा कर ही उठेंगे यहाँ से। मैं पानी की समस्या के लिए हड़ताल में बैठी हूँ, और यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। मांग मेरी वही है, पानी मेरे वार्ड में होना चाहिए, पर्याप्त पानी, इसलिए हड़ताल में बैठे हम। 15 दिन ही से पानी नहीं आ रहा है इस वार्ड में, बिल्कुल ही नहीं आ रहा पानी। पानी की समस्या 15 दिन से जूझ रहे हैं हम लोग, ना कल से हमारे वार्ड में, आज हम लोग के वार्ड में अभी पानी का टैंकर भेजा गया, कल तो कोई वो नहीं था देखने के लिए, कोई नहीं आए थे।